फूड मेरी दिल्ली आई हुई है मयूर विहार फेज 1 और आज हम खड़े हैं आंटी जी के पास जो यहाँ पे अप्पे बेचते हैं। उनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है और थोड़े समझने की भी है, तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। तो क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? जयलक्ष्मी। कितना टाइम से लगा रहे हैं आप यहाँ पे? 4-5 साल हो गया। 2 साल लगाती हूँ, पनीरम बनाता हूँ। शुरुआत मेरा डिश है, हमारा साउथ इंडियन डिश है। हम दोनों लगाती थी अंकल और मैं, फिर अंकल अभी हार्ट अटैक में एक्सपायर हो गया, 1.5-2 साल होने वाला, फिर मैं अकेली करता हूँ सारा। अकेलापन तो आपको काफ़ी फील होता होगा? फील बहुत ज़्यादा हो रहा बेटा, इधर काम भी थोड़ा बहुत, कोरोना से काम नहीं है। उससे पहले अंकल था ना जब ठीक था, अभी बहुत वीकनेस चल रहा है, मैं अकेली करता हूँ सारा। कर रही हूँ, खुद कर रही हूँ, इतना दुखी है, इतना वो है, फिर करना तो पड़ेगी। सिंगल का दुख है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, अब मेरी सॉरी। कोई बात नहीं। तो आप इतना सारा सामान कैसे लेके आते हैं? ई रिक्शा में लेके जाता, ई रिक्शा में आता हूँ, लेके भी जाता हूँ। पनीरम लेके थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है बेटा, थोड़ा बिक्री होना है, यही है मेरा, तो काम चलेगा मेरा भी। अकेली की वजह से ये दुकान रखता हूँ, काम नहीं है तो बहुत मन में दुख हो जाता है, काम चलना चाहिए बस, यही सपोर्ट कर। तो अभी पेस्ट आ चुका आंटी जी? हाँ पेस्ट है। ये चावल की उल्टी की दाल, चावल मेथी दाना वगैरह डाल के पीसते, पीस के परमानेंट करके 6-7 घंटा, उसका बाद प्याज हरी मिर्च हरा धनिया कड़ी पत्ता तड़का लगा के पेस्ट में डाल के बनते। तो एक बारी में कितने बन जाते होंगे? 25 पीसेस। तो भी बनाए जा रहे हैं, पूरी यहाँ पे ट्रे फिल हो रही है, पूरी ट्रे यहाँ पे फिल कर दी गई है। तो ये आप ही देख सकते हैं कि यहाँ पे आंटी जी अप्पे लगा रही हैं और बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये दिखने में। तो देखिए कितने बढ़िया और सॉफ्ट लग रहे हैं ये अप्पे। तो यह किसका रहता चटनी आप आंटी जी? कोकोनट और दाल कड़ी पत्ता डाल के बना, ये टमाटर वाली मिर्च वाली। तो ये डोसा रहता है आंटी? हाँ जी। तो सब कुछ यहाँ पे होममेड मिलेगा? आंटी जी यहाँ पे डोसा बना रही है। 350। तो आंटी जी भी यहाँ पे आपने दिया आलू? हाँ जी, आलू खत्म हो गए इसलिए कम डाल। ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे फिनिश हो चुका है। ये अप्पे भी लास्ट बचे है, अप्पे है, टेस्ट है अप्पे के लिए। सब बहुत कम लाता हूँ बेटा, अभी शुरू किया 5 महीने से डोसा, तो शुरू से रखा हुआ। ये डोसा यहाँ पे फोल्ड कर दिया है आंटी जी, अब हमारे लिए भी अप्पे लगा दीजिए। अभी लगा। बढ़िया, कितने सुंदर लग रहे हैं ये अप्पे। इन्हें क्या बोला जाता है? पनीरम। और यहाँ पे अब आ चुकी है कोकोनट चटनी। मेरे पास यहाँ पे आंटी जी के अप्पे आ चुके हैं जो 7 पीस रहते हैं, 40 रुपए की प्लेट रहती है। काफी संघर्ष करके यहाँ पे स्टॉल चला रहे हैं, तो प्लीज आप यहाँ पे आए और इनको सपोर्ट अवश्य करें। चलिए अब हम इनके जो अप्पे हैं वो टेस्ट कर लेते हैं। दिखने में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो ये रहते हैं अप्पे, पनीरम बोलते हैं इन्हें। ये रहती है इनकी नारियल की चटनी, ये रहती है इनकी टमाटर वाली चटनी। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। अप्पे काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है मेरे को, और मैं लूंगी सबसे पहले लाल वाली चटनी के साथ। ऑनेस्टली अप्पे मैंने पहली बार खाए हैं, बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं। बाहर से कुरकुरे हैं, क्रिस्पी हैं, और अंदर से काफी सॉफ्ट है, जो टेक्सचर है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। स्पाइसेस डाले हुए हैं, उसका तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। मैंने लाल वाली चटनी के साथ खाया था, तो लाल वाली चटनी तो काफी बढ़िया टेस्ट कर रही है, टमाटर की चटनी है। बाइट इनकी नारियल वाली चटनी के साथ भी लूंगी। तो जो मैंने नारियल की चटनी के साथ ट्राई किया, बिल्कुल होममेड ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट है, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। आलू डोसा 60 रुपए की, प्लेन डोसा 50 के सांबर के साथ, अप्पे 7 पीस 40 रुपए। आंटी जी की स्माइल कितनी ज्यादा प्यारी है, तो आप उन्हें सपोर्ट जरूर करें यहाँ पे आके। 7 डेज लगाते हैं आप वीक? 7 डेज नहीं, 1 डेज लीव है, मंडे को है ना मैं छुट्टी कर। तो बजे से कितने बजे तक रहते हैं आप? 5 बजे आती हूँ, 10:30 बजे तक। एड्रेस बता दीजिएगा किसी को यहाँ पे आना हो तो। मयूर विहार फेस 1 आचार्य निकेतन लकी जूस के सामने। और मोबाइल नंबर बता दीजिएगा किसी को कॉन्टेक्ट करना हो आपको तो। 9910229301। जल्दी से इन टेस्टी अप्पों को यहाँ पे फिनिश करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।